वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले सम कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट पीसी हार्डवेयर एंड पीसी बिल्डिंग, जो ये अंधविश्वास जो कभी ख़त्म नहीं होता। सो लेट्स गेट इनटू इट और हम शुरू करते हैं। सो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सम कॉमन अंधविश्वास जो लोगों को होता है पीसी बिल्डिंग के बारे में, जो ऐसे बिलीफ जो दोस्त बताता है, दोस्त का दोस्त बताता है, जिसमें रियलिटी का कुछ लेना देना नहीं होता है। बट हाँ, काफ़ी लोग सोचते हैं कि यही चलता है। सो वी जस्ट वॉन्ट टू टॉक लिटिल बिट अबाउट दैट। सो लेट्स गेट इन टू नंबर वन। सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं लोग कि भाई मेरा पीसी स्लो हो गया, क्या करूँ, तो द इमीडिएट रिस्पॉन्स विल बी कि नहीं भाई, तेरे सिस्टम में वायरस आ गया है। आई मीन दैट मे और मे नॉट बी द केस। ज़रूरी नहीं है कि वायरस की वजह से ही स्लो हुआ है। ऐसे हो सकता है कि आपका कूलिंग सही नहीं है, थ्रॉटलिंग हो रहा है, ढंग से नहीं चल रहा है। तो वट आई वुड एडवाइज इज ऑलवेज ऑलवेज हैव समथिंग लाइक अ HW मोनिटर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन योर सिस्टम, जिससे पे आप चेक कर सको कि ओके आर द टेम्परेचर्स ओके, अगर इज एनी प्रोग्राम ईटिंग अप ऑल योर सिस्टम रिसोर्सेज, ये टास्क मैनेजर में आप देख सकते हो। सो इट्स नॉट ऑलवेज अ वायरस, बट हाँ कभी वायरस भी होता है, मैलवेयर होता है। मैलवेयर बाइट्स इज गुड सॉफ्टवेयर, ये भी आपको मदद कर सकता है जीरो डाउन करने के लिए कि आपका सिस्टम स्लो डाउन क्यों हो रहा है। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी लोग बोलते हैं, भाई सिस्टम स्लो हो गया क्या करूँ, भाई रैम ऐड कर ले, एक्स्ट्रा रैम ऐड करने से तेरा सिस्टम तेज़ हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है, इट्स नेवर द केस कि एक रैम स्टिक डालने से आपका सिस्टम तेज़ हो गया। ऐसे होता तो मतलब वाओ वाओ। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, लोग कहते हैं कि हायर कोर का CPU सबसे बढ़िया होता है, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती, लेने से आपका गेम फाड़ देगा। पर ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आप हायर काउंट का CPU लेके रॉकेट लॉन्च नहीं करने वाले हो, आपको FPS उतना ही आने वाला है, आप कभी ग्लोबल लीड नहीं बनने वाले हो बेसिकली। इसके लिए आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि गेम्स आर बाउंड मोर बाय योर GPU एंड लेस बाय योर CPU। दैट्स नॉट द केस विथ ऑल द गेम्स। सर्टन गेम्स, एशेस ऑफ सिंगुलैरिटी इज़ अ गेम जिसमें आपका हायर कोर काउंट ऑफ CPU रियली हेल्प्स यू आउट। ये हो गई गेमिंग की बात। पर अगर आप बात करेंगे कि एप्लीकेशंस लाइक प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, ब्लेंडर, अगर आप CPU बेस्ड रेंडरिंग कर रहे हो, यस हायर कोर काउंट रियली रियली मैटर्स इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। हायर कोर काउंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो द स्टेटमेंट बीइंग द ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि हायर CPU कोर काउंट मतलब फाड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे बर्बाद मत करो, पैसे बचा के अच्छा GPU ले लो अगर गेमर हो आप तो। अगला क्वेश्चन, पावर सप्लाई सिलेक्शन पे काफ़ी कन्फ्यूजन रह जाता है, हमेशा कन्फ्यूजन रह जाता है कि अब लोग ले रहे हैं i3 के साथ 1660 ले रहे हैं और अपना ले रहे हैं 650 वाट सप्लाई। तो आप पैसे बचा सकते हो, पैसे वेस्ट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है ऐसे कि आप 650 वाट की ही सप्लाई लो। टिपिकली अच्छा रूल ऑफ थम, जब आप अच्छी एफिशिएंसी की सप्लाई ले रहे हो, 1.5 टाइम्स टोटल पावर ड्रॉ इज़ द बेस्ट वे टू सेलेक्ट योर सप्लाई। पैसे बच जाते हैं, आपको हेडरूम भी रहता है। एनी पॉसिबल अपग्रेड्स दैट यू डू अपार्ट फ्रॉम ऑफकोर्स NV लिंक और SLI, आपको वो चल जाएगा बिना कोई टेंशन के। ठीक है, ये हो गई पावर सप्लाई की बात। रात भर सिस्टम ऑन रखना, ओवरनाइट सिस्टम को खुला रखना सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम पावर वेस्टेज मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि अपने आप ही लाइक ऑल न्यू प्रोसेसर्स हैव लोअर पावर्ड स्टेट्स। जब वो यूज़ में नहीं रहते हैं, अपने आप लोअर पावर में चले जाते हैं। टिपिकली विंडोज़ में भी पावर सेविंग ऑप्शंस होते हैं, अनलेस ऑफ कोर्स यू चेंज देम कि वो खुद ब खुद हाइबरनेट कर जाएगा, कुछ चलाने नहीं वाला है, स्क्रीन बंद हो जाएगा, फैन स्पिनिंग बंद हो जाएगी। तो लीविंग इट ऑन और लीविंग इट ऑफ अपार्ट फ्रॉम एक्चुअली सेविंग आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये हमको बहुत लोग पूछते हैं कि सर मुझे एक फ्यूचर प्रूफ बोर्ड चाहिए, मतलब मुझे गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मदरबोर्ड बढ़िया होना चाहिए। ऑफकोर्स मदरबोर्ड डज मैटर, बट इन टर्म्स ऑफ गेमिंग परफॉर्मेंस देर प्रॉब्ली ओनली 2 things or 3 things इन अ मदरबोर्ड दैट यू नीड टू चेक। गेमिंग आपकी सडनली बन जाने वाली नहीं है। अगर आप सेम सेटअप सेम PCIe लेंस के साथ एक मदरबोर्ड से उठा के दूसरे मदरबोर्ड में डालोगे, चाहे वो महंगा भी हो, और आप बोलोगे यार परफॉर्मेंस तो सेम आ रही है, ऐसे नहीं होता है, नॉट एट ऑल। लास्ट नंबर का क्वेश्चन ये है कि एक भाई साहब ने झगड़ा कर लिया था मेरे एक कलीग से, और ये झगड़ा इसलिए किया भाई साहब ने कि
वो बोले कि भाई SSD लगाने से FPS बढ़ जाता है। और ऑफ कोर्स मेरे कलीग ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं होता, FPS बढ़ता कुछ नहीं है, आप लगा लो SSD। बोले नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे घर पे SSD है, मैं बढ़ाता हूँ FPS उससे। बोले गुड, बना दो एक वीडियो, बता दो लोगों को कैसे होता है, क्योंकि ऐसे बिल्कुल नहीं होता। द ओनली थिंग दैट रियली चेंजेज विद SSD इज कि आपका लोडिंग टाइम एकदम चेंज हो जाएगा। देर विल बी अ रिमार्केबल डिफरेंस इन द लोडिंग टाइम। जो आपका CS:GO डबल क्लिक किया और लोड हो गया, लाइक वो होगा, विंडो स्टार्ट किया एकदम ही आ गया, सीधा डेस्कटॉप पे पहुंच गए। सो दिस काइंड ऑफ स्टफ इज गोइंग टू हैपन विद SSD। फाइल ट्रांसफरिंग जल्दी होने वाला है बिटवीन ड्राइव्स, और लोडिंग टाइम अच्छा होने वाला है, विंडोज लोडिंग टाइम अच्छा होने वाला है। सॉफ्टवेयर स्टार्टअप कर रहे हैं वो जल्दी से खुल जाएगा, FPS तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अरे नहीं होने वाला है दोस्त, ऐसे मत समझो, पैसे बर्बाद मत करो। हमारा एक कलीग है वो भी ऐसे सोचता था, बदल दिया हमने ओपिनियन उनका। तो या तो डू लेट अस नो आपको वीडियो कैसा लगा। इफ़ यू लाइक टू सी मोर वीडियोज लाइक दिस, हम बना सकते हैं। मैं यूजुअली वेला बैठा रहता हूँ, कुछ करता नहीं हूँ, सोचता रहता हूँ क्या वीडियो बनाऊँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। डोंट पुट दिस।